नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ डिपेंड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका नाम आयुष्मान कार्ड लिस्ट में है और अगर आपका अभी तक की आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो अब आप घर बैठे ही अपना आधार EKYC करके अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए अब आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के थ्रू ही अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और सरकार की तरफ से मिलने वाले 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में आप करा सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको अपना आधार EKYC करके अपना आयुष्मान कार्ड बनाना है और किस प्रकार से आपको अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में सर्च करना है setu.pmjay.gov.in। इस वेबसाइट को आपको सर्च कर लेना है। इस वेबसाइट को सर्च करने के बाद में दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, आप आयुष्मान कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद में दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको अपने आधार कार्ड से EKYC करके अपना आयुष्मान कार्ड बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू गेट आयुष्मान कार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर, डू योर KYC और डाउनलोड कार्ड। दोस्तों, अगर आपने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम इस पर विजिट किए हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, उसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार OTP ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आपको कॉन्सेंट देना है। कॉन्सेंट देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर OTP, एन OTP सेंड टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दिखा देगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी OTP गया हुआ है, तो उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। OTP फिल कर देने के बाद सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार OTP हैज बीन वेरीफाई सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन। तो इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स जो भी है, वो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखा देगा। उसके बाद में यहाँ पर आपकी फ़ोटो भी दिखा देगा। उसके बाद में आप फिर से आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस दिखा देगा। और अगर आपका कोई कम्युनिकेशन एड्रेस कोई अलग है, तो यहाँ पर आपको टिक मार्क को हटा देना है, और आपका जो भी आधार कार्ड से अलग एड्रेस है, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको कम्प्लीटली फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, पिन कोड डाल देना है और एड्रेस डाल देना है। पर मेरा यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस और जो आधार कार्ड में एड्रेस पड़ा हुआ है वो सेम है, तो यहाँ पर मैं टिक मार्क कर देता हूँ। टिक मार्क कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग यूज़र रोल डिटेल्स, यहाँ पर पहले से मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन टाइप मेरा यहाँ पर दिखा रहा है BIS 2.0, रोल यहाँ पर सेल्फ यूज़र और स्टेटस जो है अप्रूव्ड हो चुका है। इसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपके में ये नहीं आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग यूज़र रोल डिटेल्स नहीं शो करेगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रोल डिटेल्स। रोल डिटेल्स में यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में आपको BIS 2.0 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में रोल में यहाँ पर आप CSC यूज़र भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। क्रिएट बटन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स हैव ऑलरेडी बीन ऐड टू गिवन रिक्वेस्ट, यहाँ पर मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी पहले से बनी हुई है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये मेरी आईडी नहीं बन सकती है। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने एक आईडी खोल करके आ जाएगी, तो वहाँ पर आपकी आईडी जो होगी वो आईडी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद में आपको फिर से होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं डू योर EKYC एंड वेट फॉर अप्रूवल, यहाँ पर आपको डू योर KYC पर क्लिक कर देना है। डू योर KYC पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर योर मोबाइल नंबर, आपने जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इन, तो सिंपली आपको साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है।
साइन इन बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आपकी जो लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी दिखा देगा, आपके स्टेट का नाम दिखा देगा और ऑथेंटिकेशन मोड यहाँ पर दिखा देगा जो कि मोबाइल ओटीपी से यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मोड होगा। इसके बाद आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल ओटीपी ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। OTP को फिल कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलिडेट, तो सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं OTP हैज बीन वेरीफाई सक्सेसफुली, तो सिंपली आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खोल करके आ जाएगा जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो आईडी होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी और आपका फोटो भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च बाई विलेज टाउन, आप अपनी लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं तो आप अपने विलेज और टाउन के हिसाब से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और अगर आप अपना HHID या फिर राशन कार्ड से अपना नाम सर्च करना चाहते हैं तो सर्च बाई HHID राशन कार्ड पर क्लिक कर देना है। और अगर आप ऐड न्यू मेंबर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप ऐड मेंबर कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम, डाउनलोड एंड डिलीवरी, यहाँ पर डाउनलोड स्टेट स्कीम आयुष्मान कार्ड और डिलीवरी आयुष्मान कार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डाउनलोड आयुष्मान कार्ड। दोस्तों आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं आपको आगे इसी वीडियो में बता दूंगा दोस्तों, पर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी आधार EKYC किस प्रकार से करनी है और किस प्रकार से अपना आयुष्मान कार्ड बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको रूरल सिलेक्ट कर लेना है, और किसी शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको अर्बन सिलेक्ट कर लेना है। रूरल या अर्बन सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टेट, यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट टाउन, तो यहाँ पर आपको अपना टाउन सिलेक्ट कर लेना है, जो भी टाउन आपका है तो यहाँ पर आपको टाउन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट वार्ड संख्या, तो यहाँ पर आपको अपना वार्ड सिलेक्ट कर लेना है। वार्ड सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपकी बेनिफिशरी जो भी डिटेल्स होंगी तो यहाँ पर सारी डिटेल्स खोल करके आ जाएगी, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, रेफरेंस आईडी, नाम, फादर नेम और ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर नेम, रिलेशन और कार्ड स्टेटस और व्यू। यहाँ पर दोस्तों आपको सामने काफ़ी सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप कार्ड स्टेटस में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कार्ड नॉट मेड लिख करके आ रहा है और इसमें जो है कंप्लीट लिख करके आ रहा है, जिसमें दोस्तों कार्ड नॉट मेड लिख करके आ रहा है इनका अभी तक कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, और जिसमें कंप्लीट लिख करके आ रहा है जो कि ग्रीन हो रखा है तो यहाँ पर इनका आयुष्मान कार्ड बन चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको अपना नाम सर्च करना है और किस प्रकार से आपको अपनी आधार EKYC करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्च, तो आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपना नाम सर्च कर लेना है। नाम सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड नॉट मेड लिख करके आ रहा है, तो इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक योर आधार, और यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी डिटेल्स, यहाँ पर आपके सामने बेनिफिशियरी की जो भी डिटेल्स है खुल करके आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम आ जाएगा, गार्जियन नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा और जेंडर इनका यहाँ पर दिखा देगा, उसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ दिखा देगा और स्टेट का नाम भी यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम और विलेज का टाउन का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपनी आधार EKYC भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने राशन कार्ड से भी अपनी EKYC कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप राशन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने राशन कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद में गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। पर यहाँ पर हम आधार कार्ड की EKYC कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आधार पर सिलेक्ट कर देना है। आधार पर सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट डिटेल्स, तो सिंपली आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो फैमिली की डिटेल्स है, तो यहाँ पर इनकी फैमिली की डिटेल्स खुल करके आ जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच विद फैमिली आईडी, मेंबर आईडी और आधार, और यहाँ पर नेम, जेंडर, रिलेशनशिप, मदर नेम, फादर नेम, स्पाउस, ईयर ऑफ बर्थ और एड्रेस यहाँ पर के लिख करके आ जाएगा। इनका कंप्लीट एड्रेस भी यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर दोस्तों इनकी जो फैमिली की डिटेल्स आ गई है, अब इस फैमिली में से आप जिनका भी आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, जिनका भी यहाँ पर आपने आधार नंबर डाला हुआ है, उनका यहाँ पर नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच विद, तो यहाँ पर आपको उनका नाम सिलेक्ट कर लेना है। नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, तो सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर योर डिटेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम SEC, यहाँ पर अगर आपके नाम में कोई चेंजेस है, आपके गार्जियन नेम में चेंजेस है, मोबाइल नंबर चेंजेस है, यहाँ पर किसी भी चीज़ में कोई चेंजेस है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं।
अगर सेम टू सेम जो आपकी डिटेल्स दी हुई है सेम टू सेम वही डिटेल्स है तो यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है, तो वो डिटेल्स यहाँ पर फिल होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देने के बाद यहाँ पर आपको इनका मोबाइल नंबर फिल कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो कि इनके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर डाल देना है। पिन कोड नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आप OTP के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट लगाकर भी इनका आधार कार्ड बना सकते हैं, आईराइज से बना सकते हैं और फेस से यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर OTP सिलेक्ट कर लेता हूँ। OTP सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट OTP, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं OTP सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको अपना OTP डाल देना है। OTP डाल देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एग्री विद आधार शेयरिंग टर्म एंड कंडीशन, तो आपको यहाँ पर कॉन्सेंट देना है। कॉन्सेंट देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देने के बाद आपके जो आधार कार्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पर उठ करके आ जाएगी और आपका यहाँ पर फोटो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EKYC डिटेल्स, इसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप रिव्यू पर आ जाएंगे। रिव्यू में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी डिटेल्स एज इन SEC डाटा, यहाँ पर दोस्तों आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स है तो यहाँ पर शो होके आ जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते राशन कार्ड डिटेल्स बाई बेनिफिशियरी, आपकी जो राशन कार्ड की डिटेल्स है तो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फैमिली ID, मेंबर ID और नाम, जेंडर और स्पाउस नेम, मदर नेम, यहाँ पर सारी डिटेल्स खुल करके आ जाएगी। इसके बाद में स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेयर्ड डिटेल्स बाय बेनिफिशियरी, यहाँ पर भी इनका नाम, गार्जियन नेम, मेल और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर आ जाएगा। और EKYC डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EKYC डिटेल्स एज इन आधार, मतलब आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर जो EKYC डिटेल्स है तो यहाँ पर इनका नाम और गार्जियन नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और हेल्थ आईडी नंबर भी यहाँ पर शो होकर के आ जाएगा। इसके बाद में और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन EKYC कंप्लीटेड बाई, इनका OTP के माध्यम से यहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया गया है, तो OTP पर ग्रीन टिक मार्क लग करके आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉन्सेंट देना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैच फोटो PP साइज ऑप्शनल, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर आप अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाई फॉर आयुष्मान कार्ड, रेफरेंस आईडी भी यहाँ पर शो हो जाएगी, तो इस रेफरेंस आईडी को आपको लिख लेना है या फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब दोस्तों आपके आयुष्मान कार्ड के लिए आपकी आधार EKYC कंप्लीट कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाई फॉर आयुष्मान कार्ड, अब जो आपकी कंप्लीटली EKYC की डिटेल्स है वो आयुष्मान कार्ड के लिए भेज दी गई है। अब आपकी जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद में 8 से 10 दिन के अंदर में आपका आयुष्मान कार्ड कम्प्लीटली बन जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक सर्च, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आप फिर से होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड आयुष्मान कार्ड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड आयुष्मान कार्ड पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खोल करके आ जाएगा जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आई हैव आधार, तो यहाँ पर आपको आधार पर क्लिक कर देना है। आधार पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन करना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं OTP, फिंगर और आईराइज और फेस, यहाँ पर आप इन चारों से अपना ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर OTP से ऑथेंटिकेशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। OTP फिल कर देने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशरीज नेम, गार्जियन नेम और ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर और PMJY ID भी यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड, तो यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग, यहाँ पर मेरा जो आयुष्मान कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो आयुष्मान कार्ड है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो गया है, जो कि PDF में डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पर आपको PDF को ओपन कर लेना है। PDF को ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो आयुष्मान कार्ड है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लाख का मुफ्त उपचार,
यहाँ पर मेरी फ़ोटो भी आ चुकी है और यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ आ जाएगा और जेंडर यहाँ पर दिखा देगा और स्टेट के साथ यहाँ पर आवा नंबर और PMGY ID भी यहाँ पर दिखा देगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने आधार कार्ड से EKYC करके अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।